फर्स्ट द कॉन्टेंट्स सेंट्रियोल्स स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड रोल ऑफ सेंट्रियोल इन द सेल फर्स्ट द सेंट्रोल्स आर सिलेंड्रिकल ऑर्गेनालिस्ट प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड दे आर इन्वॉल्व इन द सेल डिविजन प्रोसेस फिर अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो ये ऑर्गेलीज हैं जो राइबोसोम्स की तरह मैमब्रेन बॉन्डेड नहीं होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेलीज हैं आमतौर तो पर ये सेल न्यूक्लियस के एक तरफ मौजूद होते हैं और ये पेयर की फार्म होती है दिस इज प्रेजेंट इन दी पेयर्ड फॉर्म दो जो है वो मौजूद होते हैं दो सेंट्रील हमेशा एक दूसरे के जो है वो एक राइट right एंगल के ऊपर मौजूद होंगे नाइनटी का एंगल दोनों के बजाए अगर एक सेंट्रील इस तरह से है तो दूसरा जो है इस तरह से मौजूद होगा तो ये, तुझ ये, तुझ ये तुझ नाएंगल एक दोनों के दरमियान एक नाइन्टी का एंगल जो है वो एग्जिस्ट करेगा सेंट्रियोल का पेयर जो है वो आप नॉर्मली जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले ही ये क्या करेगा ये डुप्लीकेट हो जाएगा तो यही यू कह सकते हैं कि सेल डिवीजन होने से पहले जो सेंट्रियोल है इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म टू सेंट्रियोल दो सेंट्रियल जब हो जाएंगे जो रोल आगे जाकर सेल डिवीजन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल को देखें तो इट इज जस्ट लाइक द या इसके जो बहुत सिमिलरिटी है लाइक बेसल बॉडीज तो बेसल बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो थ्री ट्रिपलेट ऑफ जो है वो माइक्रोट्यूल्स मौजूद हैं सिमिलरली सेंट्रियोल्स के अंदर भी नाइन ट्रिपलेट सॉरी नॉट थ्री ट्रिपलेट इट इज अ अन ट्रिपलेट तो सेंट्रीओल्स के अंदर नाइन ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि एक सर्कल बना रहे होते हैं और फिर ये नाइन ट्रिपलेट्स दे आर कनेक्टेड टू सेंटर थ्रू द स्पोक लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो लिंकअप होते हैं यह द स्ट्रक्चर यहाँ अगर स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट डायग्राम में आपको आ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल के लिए जब भी हम वर्ड यूज करते हैं हम हमेशा आ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कहते हैं यानी सेंट्रियोल आमतौर तो पर अकेला एग्जिस्ट नहीं करता हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है अब इसमें से अगर एक सेंट्रीओल इस तरह मौजूद है दूसरा इस, इस तरफ मौजूद है तो दोनों के दरियान आलमोस्ट जो वो नाइन्टी का एंगल जो बनता है तो यानी एक दूसरे के रेक्ट मौजूद होते हैं एक दूसरे के जो वो नाइन्टी के एंगल के साथ मौजूद हैं स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर देखें जो उसका क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर है तो इसमें आपको बकायदा, यू कैन काउंट हेयर नाइन ट्रिपल लेट्स ऑफ माइक्रो तो माइक्रो के नाइन ट्रिपल लेट्स जो है वो मौजूद हैं इसके साथ एक जो हमारे पास एक जो है वो स्पोक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर की तरफ जो है मूव कर रहा है तो एक बायदा स्पोक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द स्पोक लाइक स्ट्रक्चर थेड लाइक स्ट्रक्चर है जो वैसे है जैसे व्हील्स के अंदर जो होती हैं वो वायर्स होते हैं यानी साइकिल के अंदर तारें जो होती हैं उसके टायर के अंदर जो सेंटर की तरफ जाए एक्सेल की तरफ जा रही होती हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द देंट्रील्स रोल ऑफ सेंट्रील इन द सेल सेंट्रियोल का सेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं फर्स्ट वन इन सेल डिवीजन एंड सेकेंड वन इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन में पहल जो माइटोटिक अपरेटस या मीओटिक अपरेटस बनता है यानी जब प्रो फेज में आप जब भी प्रो सेल डिफिन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अच्छा सबसे पहले माइटोटे कप्रेटस बनेगा माइटोटे कप्रेटस में क्या होता है दो सेंट्रियोल्स हैं एक इस तरफ एक इस तरफ है और उनके दरमियान स्पिंडल फाइबर अरेंज होती हैं इसका मतलब ये हुआ कि स्पिंडल फाइबर को अरेंज करने में जो सेंट्रीओल्स दे आर प्लेजिंग वेरी प्लेंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स अच्छा ये सेंट्रीओल सिर्फ एनिमल्स में होती हैं प्लाट्स में नहीं होती हैं सेकेंड वन क्रोमोसोम सेपरेशन सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है कि क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड करें तो फॉर इक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रील आर आल्सो प्लेंग द रोल सेंट्रियोल का जो है बाकायदा एक रोल मौजूद है दूसरी जो इंपॉर्टेंट जॉब है दैट द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फिलजेला आमतौर पर जब भी सीलिया और फिजेला बनने होते हैं तो जैसे मैंने बताया कि सेंट्रीओल और बेसल बॉडी बेसल बॉडी से सीलिया आगे बनता है स्ट्रक्चरली सेम है ठीक उस वजह से जब भी सीरिया फिल्ला बनने हैं तो उससे पहले जो उसमें जो सीरिया सेंट्रियोर्स दे आर हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल